हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपर्णाज किचन। मैं हूँ अपर्णा। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ कच्चे आम की एकदम नई रेसिपी। तो ये रेसिपी इतनी ही मज़ेदार है कि अगर आप एक बार देख लेंगे ना, तो ये रेसिपी बनाए बिना आप रह नहीं पाएंगे, तुरंत बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और दो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूँगी, दोनों ही एकदम नई रेसिपी हैं, तो आप इन्हें बनाकर महीनों स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो चलिए मिलकर बनाते हैं एकदम नई रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 3 कच्चे आम लिए हैं, और इस रेसिपी के लिए जो कच्चे आम है ना, थोड़े गूदे वाले होने चाहिए, और इन आम को मैंने धुल के पोंछ लिया है। तो अब देखिए, इसका ऊपर का पार्ट हम निकाल देते हैं, और इसे अब हमें छीलना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आम बड़े साइज़ के लें, और आम बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं होने चाहिए, ये आप ध्यान रखें। तो अब हम इन आमों को छील लेते हैं, और ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, बच्चे बड़े सभी बहुत ही मन से खाते हैं इसे। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे एक बार बनाकर स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो देखिए, हम इसी तरह से अपने आम को छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कच्चे आम की मैंने और भी रेसिपी आपसे शेयर करी हैं, तो उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उन्हें भी ट्राई करना, एकदम न्यू और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। तो देखिए, मैंने आम को छील लिया है, अब हम इनके छिलकों को फेंक देते हैं, और यहाँ पे हमें इन्हें दोबारा धुलना नहीं है, और अब हमें इन्हें काटना है। तो देखिए, इस तरह से हमें इन्हें काटना है। अगर आम की गुठली थोड़ी सी हार्ड है, तो हम ऊपर से और नीचे से इसका गूदा इस तरह से निकाल लेते हैं। अगर आम की गुठली मुलायम है, तो आप उसे बीच से कट कर सकते हैं, और उसकी जो गुठली है उसको अलग निकाल दें, फिर इस तरह से इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। तो अभी देखिए, आम हार्ड हो गए हैं, तो हम इस तरह से इसको कट करेंगे, और हमें इसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस चाहिए। तो इसी तरह से हम इस आम को कट कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं, नमक मिर्च लगाकर, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये आम खट्टा भी नहीं है। और अभी देखिए, जो हमारी ये गुठलियाँ बची हुई थी ना, इनके साइड साइड में थोड़ा सा पल्प लगा हुआ है, तो इनको हम अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमें निकाल लेना है, और इनको हमें वेस्ट नहीं करना है। तो जितना निकल सके उतना आप इसका जो पल्प है निकाल लें। और यहाँ पे देखिए, मैंने निकाल लिया है 3 गुठलियों का, और ये अलग मैंने रख दिया है, और ये जो मैंने पीस कट किए हैं ये अलग हैं। तो आज मैं आपसे दो बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो देखिए, अब हम जो ये पीस हैं इनको रख लेते हैं एक प्लेट में, और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गैस पे एक भगोना रखा है, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, पैन भी ले सकते हैं, और इसमें मैंने करीब 2 गिलास पानी डाला है। 2 से 1.5 गिलास पानी डाल दें, और थोड़ा सा गर्म होने दें, और जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे नमक। तो नमक बहुत कम डालना है आपको, और ये जो आम के पीसेस हैं इन्हें हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब हम इसको ढक देंगे। तो ढकने के बाद हमें इसे करीब 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से बॉईल करना है। और देखिए, हम इसको चेक करेंगे, करीब 3 मिनट हो गए हैं इसको बॉईल होते हुए। तो अब हम इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं, ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप इस तरह से फॉक से चेक करें, क्योंकि अभी बहुत गर्म है ये, देखिए ये मैश हो रहे हैं। तो जब ये इस तरह से हो जाएं, तब हम यहाँ पे हीट को ऑफ कर देंगे, और जो हमारा ये भगोना है इसको हम गैस से हटा लेंगे। और यहाँ पे देखिए, हम एक छलनी से सारे मैंगो पीसेस हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए, इसे हमें पानी में नहीं रहने देना है, तो हमें इसे अलग निकाल के इस तरह से एक बाउल में रख देना है, और अब इन्हें ठंडा होने देंगे। और ये जो पानी है, इसका आप ड्रिंक बना सकते हैं। तो इसका ड्रिंक कैसे बनाना है, मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे हम आपसे अपनी पहली रेसिपी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिए हैं करीब 5 से 6 हरी मिर्चें, जो काफ़ी तीखी हैं, तो हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल दें। और यहाँ पे देखिए, आधा छोटा चम्मच लिया है रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, और काला नमक लिया है करीब 1/4 टीस्पून, जीरा लिया है 1/4 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून लिया है कोरिएंडर सीड, और यहाँ पे 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली हैं। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे चॉपर लिया है, तो ये चॉपर में हम ये वाले पीस ऐड करेंगे जो मैंने गुठली से निकाल के रखे थे। तो ये वाले पीस हम सारे इसमें ऐड कर देते हैं, और अभी जो ये मसाले हैं इन्हें भी हम इसी में ऐड करेंगे। हरी मिर्च, लहसुन, मिर्च और नमक, काला नमक और जीरा और कोरिएंडर सीड, ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज के प्याज, जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है इस तरह से। और आप चाहें तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो। और अभी देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पत्ती, जो धुल के मैंने अच्छे से रख दी थी, इसका पानी निकल गया है। तो अब हम यहाँ पे इसकी लिड बंद कर देंगे, और इसे हमें
चॉप करना है, तो इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें, बिना पानी डाले हमें इसे चॉप करना है। और आप इसे मिक्सी में भी बना सकते हैं, बट मिक्सी में बहुत ज़्यादा फाइन हो जाती है ये। तो अभी देखिए हमें इसे दरदरा रहने देना है, कोसली ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे इस तरह से चॉप किया है, और चॉपर में ये जो चटनी है बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरह से जब दरदरी बनती है ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से चॉप कर लिया है। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको सिलबट्टे पे भी बना सकते हैं, या फिर आप इसे मिक्सी में भी बना सकते हैं। बस आप इसको बहुत ज़्यादा ना पीसें, और इसे इस तरह से क्रोसली ही पीसना है। तो देखिए ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस चटनी को आप तड़के वाली दाल और राइस रोटी के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेवर हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है ये। तो आप इसे 3 से 4 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप इसे 4 दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें आप लहसुन प्याज ना डालें। तो देखिए अब हमारे जो ये मैंगो पीसेस हैं ठंडे हो चुके हैं, तो अभी हम इनको डाल देते हैं एक ग्राइंडर जार में, और हमें इन्हें पीस लेना है। तो चलिए इनको हम पीस लेते हैं, बिना पानी डाले हमें इसे पीसना है। और देखिए मैंने इसका बहुत ही ज़्यादा फाइन पेस्ट बना लिया है, एकदम स्मूथ इसका पेस्ट बन गया है, और सारा पेस्ट मैंने छलनी में डाल दिया है। और अब इसको हम छान लेते हैं। छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने पीसा भी है ना तो इसमें छोटे छोटे से टुकड़े रह जाते हैं तो वो निकल जाएंगे, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। और मैंगो का पल्प थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो ये छन्नी में निकल नहीं रहा है, छन नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है, करीब 2 चम्मच। और पानी हमें वही यूज करना है जिसमें मैंने मैंगो पीसेस को बॉयल किया है। और देखिए इसको हम इस तरह से छान लेंगे बहुत अच्छे से, और देखिए ये वाले पीसेस ना ये पीसते नहीं हैं, तो इसलिए हमें इसको छान लेना चाहिए। और मैंने इन्हें अच्छे से छान लिया है, और मैंने इसमें 4 चम्मच पानी यूज किया है छानने में। और अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है, और कढ़ाई में हम डाल देंगे हमारा ये मैंगो पल्प। और शुरुआत में हीट को लो रखें, और देखिए अब हम इसको चलाते रहेंगे करीब 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए इसमें थोड़े थोड़े से बबल्स आने लगे हैं, थोड़ा सा ये गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 4 खजूर, जिन्हें मैंने कट कर लिया है, उनके मैंने सीड अलग कर दिए हैं। आप चाहें तो खजूर की जगह आप छुहारा भी ऐड कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर कर, क्योंकि खजूर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। अगर आपके पास खजूर हैं तो खजूर ही ऐड करें। और अब मैंने यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच ऐड किया है जीरा पाउडर, और साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है, 1/4 छोटा चम्मच ऐड किया है कश्मीरी मिर्च पाउडर। और अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे करीब 1/2 मिनट के लिए हमें इनको मिक्स करना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के करीब चीनी, और 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है जिसे मैंने कट कर लिया है नाइफ से। तो आप चाहें तो आप सिर्फ चीनी से ही बना सकते हैं, और आप चाहें तो आप सिर्फ गुड़ से ही बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें ऐड की हैं, तो गुड़ से काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने गुड़ भी ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। गुड़ और चीनी दोनों मेल्ट हो गए हैं, और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। तो पानी नॉर्मल नहीं लेना है, पानी जिसमें मैंने मैंगो पीसेस बॉयल किए थे ना वही पानी हमें यहाँ पे ऐड करना है। और अब हम यहाँ पे करीब 2 ड्रॉप ऐड करेंगे फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने चेरी फूड कलर लिया है, अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर है या फिर रेड फूड कलर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा कलर आता है। और आप चाहें तो आप इसे प्लेन ही बना सकते हैं बिना फूड कलर के, लेकिन कलर मिक्स करने से इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए इसको 2 मिनट पकाने के बाद इसमें बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं, इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो गया है। तो देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटा चम्मच मेलन सीड। तो यहाँ पे खरबूजे के बीज मैंने ऐड कर दिए हैं, आप चाहें तो आप इसमें तरबूज के बीज भी ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। और देखिए अब ये कुक हो गया है, तो अब हम इसको गैस से हटा लेंगे, और ठंडा होने के बाद देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अगर आपको चटनी बनानी है तो आप इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला रखिए, और अगर आपको जैम बनाना है तो इसकी कंसिस्टेंसी को इस तरह से रखिए। तो मैंने बनाया है मैंगो जैम, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो आप इसे एक बार बना के देखें, आप बाज़ार का जो एप्पल जैम है वो भी खाना भूल जाएंगे इसके सामने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आप मुझे बताएं कि आपको मेरी दोनों रेसिपी में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिए जो पानी बचा हुआ है ना, इसका हम बहुत अच्छा ड्रिंक बना सकते हैं। तो इसे आप एक ग्लास में डाल दें, इसमें भुने जीरे का पाउडर मिक्स करें, साथ ही थोड़ा सा काला नमक, और इसमें थोड़ी सी पुदीना पत्ती ऐड करें, और इसको एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।